रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, और इनफैक्ट अगर दूसरी तीसरी बार भी कर रहे हो तो स्टिल यू कैन मतलब आस्क मी इन बिटवीन कि मैंने क्या बोला, यू कैन आस्क मी टू रिपीट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी इस क्लास को अटेंड करो। आपको अगर बीच में लगता है कि कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज की जब हम बात करते हैं तो इट्स एवरेज ऑफ टू और थ्री और मोर नंबर्स। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर दो अगर हम लिखते हैं जैसे 4 एंड 6, ये दो डिफरेंट नंबर है, तो एवरेज इज वन सच वैल्यू विच बेसिकली मेक्स बोथ इक्वल विदाउट चेंजिंग द टोटल। तो ये जो 5 है ये हमारा एवरेज है, एक इसकी मतलब दो क्वालिटी हुई, एक तो इक्वल फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया एंड टोटल सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, टोटल सम चेंज नहीं होता। तो ये दो आपका ये है, और इस डिफिनेशन की वजह से यू गेट नॉट मेनी ऑफ एडवांटेज, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीका अगर हम एवरेज निकालने का देखें तो हम ये बोलते हैं कि 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसको ऐसे अगर आप ज्योमेट्रिकली मतलब अलजेब्रिकली ऐसे लिखना चाहते हो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऐसे 5 आएगा। बट मेनी ऑफ द टाइम वी कैन सी कि मेकिंग देम इक्वल इज मच ईजियर देन डूइंग दिस कैलकुलेशन। तो जैसे मान लो कि अगर आपके पास 5 4 5 5 नहीं लिखते भी, 4 4 4 और 8 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर तीनों को ऐड करके फिर डिवाइड बाई 4 करो तो आपको टाइम लग सकता है, बट अगर थोड़ा विजुलाइज करो कि 8 का अगर हम 4 यहाँ ले लें तो आई स्टिल विल हैव 4 विथ मी, तो इस 4 को हम फिर से सब में एक एक बांट देंगे तो एवरीवन विल बी इक्वल विच इज 5 5 5, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस पे हमने फिर ये भी आइडेंटिफाई किया, और हम करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऑर्डर में है, लाइक मतलब उनका जो कॉमन डिफरेंस है सारे टर्म्स का वो सेम है, तो उस केस में जो हमारा एवरेज होगा दैट विल बी इन द सेंटर ऑफ दैट सीरीज। तो जैसे 2 4 6 8 10, तो अब इसका जो एवरेज है वो मिड वैल्यू, मिडिल वाली वैल्यू होगी, बिकॉज इससे 2 ज़्यादा है और इससे ये 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे इससे 2 कम और इससे 4 कम है। तो बेसिकली टू मेक एवरी वन इक्वल हम ये 4 इसको दे देते हैं, ये 2 इसको दे देते हैं, तो एवरी वैल्यू विल बिकम 6, तो ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, एंड यू कैन जस्ट रियलाइज कि अगर ये 5 नंबर था तो मिडिल वैल्यू है, और अगर ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर की तरह हम लिख रहे हैं, मान लो जैसे मान लो अगर हम 4 6 8 10 12 14 हमने लिख दिया, तो नाउ आई हैव 6 नंबर्स, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो जो होगा हमारा मिडिल ऑफ दीज 2, तो 9। तो अब नाउ यू कैन जस्ट से कि अगर 5 ऑड नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स हैं, मतलब 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपका एवरेज इवन आया। 6 इवन नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो आपका एवरेज ऑड आएगा। सिमिलरली यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट कि व्हाट नंबर यू कैन गेट, है ना। जैसे मान लो अगर हम 1 2 3 4 5 6 अगर हम 1 के गैप में मतलब नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, तो अगर हम इवन नंबर्स तक लिखेंगे तो हमारा एवरेज जो है 0.5 में आएगा। अगर ऑड नंबर लिखेंगे, ऑड मतलब ऑड नंबर्स तक लिखेंगे, तो हमारा एवरेज जो आएगा वो मिडिल वैल्यू आएगा। जैसे मान लो अगर 1 से लेके 5 लिखते हो तो एवरेज हमारा 3 आएगा, 1 से लेके 11 लिखते हो तो एवरेज हमारा 6 आएगा। ठीक है, बट ये अगर 1 से लेके 10 लिखते तो हमारा एवरेज 5.5 आता। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर हम बोलते हैं कि 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज अगर 43 है, तो ये लिखते के साथ ही आप पढ़ते के साथ ही इसको रिजेक्ट कर दोगे इस आइडिया को, क्योंकि 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर हम लें 3 5 7 9 11 ऐसे करके, तो उसका एवरेज हमेशा बीच वाला होगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स ऑफ नंबर्स है, तो बीच वाला दैट विल बी इवन नंबर। तो 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 43 नहीं हो सकता, सिमिलरली 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज जो है 46 नहीं हो सकता, मतलब दैट कैन नॉट बी इवन नंबर। तो कई बार आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा मतलब वैल्यू कहाँ और किस रेंज में होगा। अगेन वन एक एक दूसरा इसमें है कि सिंस टोटल इज वी आर नॉट चेंजिंग द टोटल, तो हम टोटल अगर निकालना हो किसी नंबर्स का तो या तो हम सारे नंबर्स को जोड़े या एवरेज को उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमारा टोटल निकल आता है। तो हम इस हालांकि आप इसको जानते हो, आप अलजेब्रिकली तो आप इसको रोज करते हो ना, ये
अगर एवरेज है तो ऑफ कोर्स टोटल ऑफ ऑल हो जाएगा एवरेज इनटू एन। एक ऐसे सोचना होगा, एक ऐसे सोचना होगा कि सिंस थ्रू डेफिनेशन वी हैव फिक्स्ड द टोटल, तो हमारा ये एवरेज इनटू एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो टोटल नंबर टोटल देगा सारे ऑब्जर्वेशंस का। तो ये हुआ हमारा एवरेज का डेफिनेशन और कुछ की फैक्ट्स मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एक जैसे मान लो कि थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं तुम लोगों से, जैसे अगर पांच नंबर है एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नॉट थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स है ना और एक्स प्लस एट, तो हमने बोला कि अगर इन पांचों का एवरेज अगर लेट से 15 है तो लास्ट के थ्री का एवरेज क्या होगा। तो इसमें अगर हमें एवरेज देखना है तो हमने देखा कि सबका गैप जो है दो दो से है, मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ एपी, तो इसका जो एवरेज होगा वो मिडिल वाली वैल्यू होगी, तो यही इसी की वैल्यू 15 है। यहाँ पे भी तुम्हें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट थ्री पूछ रहा है तो इसका एवरेज ये होगा और दो दो का गैप है तो ये ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगा। तो मतलब यू जस्ट हैव टू पिक्चराइज व्हाट एवरेज इज वेयर इट विल लाई। आप बहुत सारे क्वेश्चन उसके हिसाब से भी कर सकते हो और यू विल फाइंड द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन की वैल्यू इधर नहीं जाएगी। जब हम लोग कई बार बोलते हैं ना गेस करने के लिए आंसर वगैरह, तो इसी तरीके से गेस किया जाता है। तो जैसे मान लो कि अच्छा चलो वो तो आगे आ भी जाएगा, तो अब जैसे मान लो कि कोई एक ग्रुप है मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है आई वोंट टेक एग्जांपल एंड उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको ये ध्यान मतलब अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, बट हम आपको इसको बेसिकली वो करेंगे कंसाइज करेंगे ऑल द चेंजेस दैट कैन हैपन इन एवरेज ड्यू टू चेंज इन ग्रुप। तो एक ग्रुप है उसका एवरेज अगर मान लो एक्स है एंड वी आर मेकिंग वन चेंज इन ग्रुप, एक ही चेंज एक बार में कर रहे हैं, वन चेंज इन ग्रुप विल लीड टू व्हाट चेंज इन एवरेज। तो विल लीड टू, अगर हम इस क्वेश्चन को वर्ड में दे दें, विल लीड टू व्हाट चेंज इन एवरेज। इस ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है जिस पे हम मतलब एवरेज का समझो कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो 7 तो इसी पे होता है बेसिकली, बट आपको ये देखना होगा कि जो वन चेंज है वो क्या हो सकता है और एवरेज का चेंज क्या हो सकता है। तो अब अगर आप देखोगे तो हम यूनिवर्सल सेट्स में बात करेंगे, जैसे अगर अगर ग्रुप कुछ 5 लोगों का ग्रुप है ना या 6 लोगों का ग्रुप है, तो पहला चेंज आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे कि समबडी ज्वाइंस द ग्रुप, सो वन ऑब्जर्वेशन सिर्फ ज्वाइनिंग लिख देते हैं, ज्वाइन द ग्रुप, वन ऑब्जर्वेशन ज्वाइंस द ग्रुप मतलब एक बढ़ जाता है। उसके भी 3 कैटेगरी होंगे, ठीक है उसके 3 कैटेगरी होंगे। अच्छा पहले सारा लिख देते हैं, वन लीव्स द ग्रुप, एक ऑब्जर्वेशन ग्रुप लीव कर देता है, और एक होता है रिप्लेसमेंट। अगर सिंगल चेंज करने हैं तो यूनिवर्सली आप इसी 3 में से कोई एक चेंज करोगे, सो यू वोंट फाइंड एनी क्वेश्चन विच इज नॉट बेस्ड ऑन दीज। तो अगर सिंगल चेंज है डबल चेंज है ग्रुप का भी चेंज है तब भी इसी 3 कैटेगरी में लाई करेगा, बट अभी लेट्स फोकस ओवर द सिंगल चेंज। अगर सिंगल चेंज है तो चेंज 3 ही तरह के होंगे, इधर समथिंग ज्वाइंस द ग्रुप, इधर समथिंग लीव्स द ग्रुप, और सम वैल्यू इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर वैल्यूज। तो इसमें ज्वाइन में अगर ज्वाइन वाली वैल्यू जो है लेट्स से उसका हमने बोला पी, तो अगर और एवरेज तो है हमारा एक्स, तो अगर पी की वैल्यू एवरेज से बड़ी है, ठीक है यानी कि ग्रेटर देन 0 इस केस में है ना, और एक हो सकता है पी की वैल्यू एवरेज के बराबर है और एक हो सकता है पी की वैल्यू एवरेज से लेस है ना। इसको अगर हम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ग्रेटर देन एक्स, पी इक्वल टू एक्स और पी लेस देन एक्स, ठीक है। तो अब आपको पता है कि चूंकि सारे एक्स एक्स तो हमने सबको बिछा ही रखा है, अगर पी ज्यादा है तो ऑफकोर्स एवरेज की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एवरेज इंक्रीज होगा कि वो होगा इंक्रीज होगा तो एवरेज की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। और अगर हम इसी को अलजेब्रा के टर्म में सोचेंगे तो कितना इंक्रीज होगा, तो जैसे मान लो कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कई सारे ऑब्जर्वेशन है जो एक्स 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 ऐसे करके मान लो है, लेट से ये 6 है और एक अगला हम ऐड करते हैं विच इज पी, और हमें पता है कि पी एक्स से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स छोड़ देते हैं पी में से और बचा हुआ निकाल लेते हैं, मतलब पी माइनस एक्स को हमने बाहर ले लिया।
अब चूंकि टोटल हमें सेम करना है तो पी माइनस एक्स को हमें दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सब में। व्हाई आई एम डूइंग इट अलजेब्रिकली, क्योंकि नंबर से बहुत आसान हो जाता है, नंबर से अंडरस्टैंडिंग करती है और नंबर से आप लोग पढ़े भी हो, बट अलजेब्रिकली इसलिए कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जब आपको अलजेब्रिक टर्म में सोचना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, उसको रिवाइज करने में, तो मतलब डिवाइज करने में फॉर्मूला या फिर इक्वेशन को। जैसे मान लो कि p माइनस एक्स जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, अब हम इसको क्या करेंगे, सातों टर्म में बांट देंगे, मतलब जितने हैं उसमें। तो इस ये जो सब में जो बढ़ेगा वो क्या होगा, p माइनस एक्स बाई सेवन, और जो पुराना एवरेज है वो तो x रहेगा ही, तो ये हमारा नया एवरेज होगा। तो एवरेज जो बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ एवरेज कैसे हम डिनोट करेंगे, x प्लस p माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या, लिखो बताओ, डिवाइडेड बाई n प्लस वन। n तो पहले थे, एक नया टर्म लाया, तो टोटल सब में बांटना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे सिक्स टर्म्स थे, एक नया टर्म लाया, तो ये सेवन हो गया, डिवाइडेड बाई सेवन, क्योंकि सब में हो जाना है, तो ये हमारा नया एवरेज होगा, x प्लस p माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। अब अगर हम इसको जो नया वाला टर्म है अगर वो एवरेज के बराबर ही आता है, जैसे मान लो कि x ही है, हमारे पास एक्स्ट्रा तो कुछ मिलेगा नहीं, देयर इज नो एक्स्ट्रा, ये जीरो है बेसिकली, तो जीरो है तो हम किसी में बांट ही नहीं सकते, तो यहाँ पे एवरेज चेंज नहीं होगा, तो एवरेज जो होगा यहाँ पे इक्वल टू एक्स ही रहेगा। और जो तीसरा तरह का चेंज है उसमें क्या होगा, अगर आप कोई एक वैसी वैल्यू लाते हो जो बेसिकली क्या होता है कि जो कम है एवरेज से, उसमें क्या होगा बताओ, हट जाएगा, मतलब एवरेज कम हो जाएगा, और कैसे कम होगा, हम इस केस में भी अपनी तरह से कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि x दे देते हैं, जो नया वाला टर्म है उसको x दे दिया, तो x देने का मतलब हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, सो नंबर हमारा एड ऑन हुआ था p, मतलब ग्रुप में ज्वाइन किया था p, बट वी आर पुटिंग x इन स्टार्ट, बिकॉज हमको हमारा ये भी काम है कि हम सबको सेफ रखना चाहते हैं, तो हमने बेसिकली x माइनस p जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। तो x माइनस पी जो है हमें निकालना होगा इस ग्रुप से, बिकॉज एवरेज कैन नॉट बी x, एवरेज तो कम होगा क्योंकि हमने ये वाला चीज एक्स्ट्रा दे दिया है हमने इसको, तो निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, x माइनस पी डिवाइडेड बाई व्हाट, सब में से निकालेंगे, n प्लस वन से निकालेंगे, तो जो नया वाला एवरेज होगा वो पुराना एवरेज माइनस x माइनस पी डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बताओ? Yes, sir. तो ये मैं हर बार देखे होगे या पहले भी तुमने अगर क्लास किया होगा तो जनरली आई हैव पुट इट इन नंबर्स, है ना, और बेसिक एग्जांपल लेकर हम तुम्हें बताते थे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता था। सो अगर तुम्हें अभी यहाँ पे दिक्कत है, ऑल्दो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो यू कैन गो बैक टू द क्लास अगेन, तो थोड़ा मैच करा लेना उसको नंबर से भी या खुद भी रख के देख लेना। तो मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में जब हम डाउट्स आप लोगों का सॉल्व कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि आप उस तरह के चेंज को आप अलजेब्रे के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे, तो वो मैंने इसलिए हमने इसको ऐसे बता दिया, ठीक है। अब कोई अगर लीव करता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी तीन केस होगा, जो आपका डेटा है आउट ऑफ एवरी डेटा, जो लीव करने वाला डेटा है ना, मान लो कि देयर इज अ वैल्यू पी, पी इज द वैल्यू व्हिच इज लीविंग द ग्रुप, तो पी कैन बी ग्रेटर देन एक्स, पी कैन बी इक्वल टू एक्स, और पी कैन बी लेस देन एक्स। तो अगर लीव करने वाला है और ग्रेटर देन एवरेज है तो क्या होगा, ग्रुप का एवरेज क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एलोकेटेड जो है, मतलब एवरेज की वैल्यू हमने एलोकेट किया है उससे वो ज्यादा लेके जा रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम जैसे कुछ नंबर्स हैं 7, 8 ऐसे करके, और इनका एवरेज जो है 8 है और 5 है, जैसे मान लो 5 नंबर है और एवरेज 8 है, तो एक जो वैल्यू लीव कर रही है वो 10 वाली वैल्यू लीव कर रही है। अभी समझो मैं ऐसे कर दे कि 12 वाली वैल्यू लीव कर रही है, ठीक है। तो अगर हम 12 को लीव करा रहे हैं तो हमने सारे वैल्यू को तो कुछ ना कुछ एट एलोकेट कर दिया, तो ये 12 अगर निकलेगा तो यहाँ पे अभी एलोकेटेड तो 8 ही है, एलोकेटेड अगर 8 है तो ये 4 और लेके निकलना है इसको, तो क्या करेगा, इन सब में से एक एक लेके निकलेगा, तब तो 12 होगा ना, तो जो फाइनल एवरेज हो जाएगा वो बेसिकली 7 हो जाएगा। तो अब कैन यू टेल मी, ये चीज तो तुमने समझ गया, नंबर्स में समझ गए होगे तुम लोग
कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द न्यू एवरेज? अगर न्यू एवरेज को अगर हम देखेंगे, मतलब एवरेज जो है ये तुमने बता दिया डिक्रीज होगा, और न्यू एवरेज कितना होगा बताओ, अगर हम तुम्हें फॉर्मूला टर्म में पूछे तो। सर x माइनस पी माइनस एक्स अपॉन एन माइनस वन, पी माइनस एक्स जो एक्स्ट्रा निकला है अपॉन एन माइनस वन, ये तो निकला है ना सब में से? यस सर। और जो पुराना एवरेज है उससे तो घटाना पड़ेगा। यस। एक्स माइनस भी तो लिखोगे ना सर? बोला था। अच्छा तुमने बोला था, ठीक है। तो जैसे इसका एक पॉइंट ये है कि जैसे मैं एक एक बार और रख देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मान लो कि छः एक सात नंबर है, सातवां निकल रहा है और वो ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है पी माइनस एक्स, तो p माइनस एक्स जो ज्यादा है हमें इसमें से हटाना पड़ेगा सब में से, तो p माइनस एक्स बेसिकली 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब तो सब में से इक्वल इक्वल निकालेंगे। तो जितने इसमें क्या बनेगा, x जो हमारा पुराना एवरेज है माइनस p माइनस एक्स जो हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, और उसको कितने लोगों में से निकालेंगे, बचे हुए लोगों में से जिनका एवरेज हमें निकालना है, तो ये हमारा एवरेज होगा। इस केस में यू नो अगर वही वैल्यू है तो निकलता है, तो बाकी ग्रुप पे कोई असर ना पड़ेगा, तो इसमें नो चेंज, ठीक है। अब अगर छोटा है, मतलब जैसे मान लो वही हम उस समय लेते एवरेज है और पांच नंबर है जैसे मान लो, और हमने यहां से निकाला चार, तो अगर छोटा निकल रहा है तो हमने इसको एलोकेट तो आठ किया हुआ है, एलोकेट अगर आठ किया हुआ है और चार ही निकल रहा है, तो यहाँ पे जब चार निकलेगा तो ये वाला चार तो बच जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें सब में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हमारा नौ नौ का एवरेज हो जाएगा, ठीक है, ये नौ नौ का एवरेज हो जाएगा। तो अगर हम इसको फिर से एलजेब्रा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताओ? एक्स प्लस एक्स माइनस पी बाय एन प्लस एन माइनस वन, एक्स माइनस पी, हाँ तो p छोटा है तो x माइनस पी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा जब सम वैल्यू, मतलब सम वन वैल्यू लीव्स द ग्रुप एंड विच इज लेस देन द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे चेंज का यूनिवर्सल सेट तैयार हो रहा है, आप देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चंस इसी से बिलोंग करते हैं, इफ देयर इज एनी एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है, इसमें जब जो रिप्लेस होगा उसमें एवरेज से मतलब नहीं है, आपका जो रिप्लेस वाला नंबर है, जैसे मान लो कि p इज बेसिकली बीइंग रिप्लेस्ड बाय q, तो ऐसा हो सकता है कि p, मतलब p इज कमिंग टू द ग्रुप एंड q इज लिविंग टू द ग्रुप, ये कमिंग एंड ये लिविंग ऐसे लिख देते हैं, लिविंग और ये p हो गया तुम्हारा ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग द ग्रुप, तो P अगर ज्वाइन कर रहा है और Q अगर लीव कर रहा है, तो तीन ही केस यहाँ पे भी बनेंगे, P कैन बी ग्रेटर देन Q, P कैन बी इक्वल टू Q और P कैन बी लेस देन Q। सो P अगर ग्रेटर है Q से तो आपका एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? टेल मी। बढ़ेगा। देखो अभी ऐसे लोग बोलो जो, मतलब जो अभी रेगुलर कैट वाली क्लास नहीं करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का भी दिमाग चलने दो। सो कौन यहाँ पे है, किसी को पिंग करके पूछे गया, किरण बताओ तुम्हें दिख रहा है ये बढ़ेगा एवरेज यहाँ पे? किरण चलो ठीक है, घटेगा ना? क्यों घटेगा? नहीं नहीं सर, बढ़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हाँ मतलब नंबर जो ज्वाइन कर रहा है वो बड़ा है, तो टोटल भी तो बढ़ जाएगा ना। हाँ जी। और टोटल बढ़ जाएगा तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। यस। क्योंकि टोटल ही तो डिवाइड होता है ना उतने नंबर्स में, तो अगर पी, तो ठीक है, अब एस वर्या तुम बढ़ाओ कि अगर हम इसको डिनोट करना चाहें, टोटल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप में नंबर एन है, तो अगर डिनोट करना चाहें कि कितना बढ़ेगा, या नया एवरेज को डिनोट करना चाहें तो कैसे बताएंगे बताओ? एक्स प्लस वॉट ऐश्वर्या? बोलो, प्रॉक्सी मार रहे हो तुम यहाँ पे। ध्रुव तुम बताओ,
ध्रुव नहीं बताया क्या? ध्रुव भी नहीं है, सूर्या भी नहीं है, सब लॉग इन करके चले गए। मैं चलो तुम बताओ। अरे मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं तुम लोगों को? हाँ सर। कैसे लोग गैप क्यों हो रहे हैं? चलो प्रासी तुम बताओ। नया एवरेज क्या होगा? ओके प्रासी चलो तुम बताओ क्या होगा नया एवरेज? पुराने एवरेज में कितना बढ़ेगा? इसमें बढ़ेगा सो तो ठीक है, पुराना एवरेज ले लिया मैंने एक्स, कितना बढ़ेगा? चिरंजीव तुम भी बताओ, तुम बताओ। चलो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू नहीं बढ़ेगा, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एन। हाँ मतलब पी माइनस क्यू, अरे सर मैं एन बोलने वाला था, मेरे को लगा ऊपर वाला कुछ। तो ये जो है आपका नया एवरेज हो गया है ना, जब अगर p बढ़ा है, और अगर p इक्वल टू q है तो यहाँ पे अगेन नो चेंज, और अगर p छोटा है तो क्या होगा, आपका एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि जो ज्वाइन करने वाला है वो टोटल को कम कर रहा है। तो इस केस में जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा? चलो प्रासी इस बार तुम बताओ। ध्रुव न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे हम? सौरभ तुम बताओ तो जरा सा। सौरभ भी नहीं बताएगा, ऐश्वर्या बोलेगी नहीं, प्रासी बोलेगी नहीं, सौरभ नहीं बताएगा। स्वराज तुम बताओ। x माइनस q माइनस p बाई n। हाँ, क्योंकि वो जितना ज्यादा है उसको सब में से कम करना पड़ेगा, मतलब जितना कम है p उसको सब में से कम करना पड़ेगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाई एन। ये हमारा हो गया घटा हुआ एवरेज वाइल इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक ये इसका फोटो भी खींच लो समझे, और इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, एक मिनट, इसमें गिव यू सम प्रेमाइस कि एक क्लास है, मतलब क्लास टेंथ जो भी मान लो एक क्लास है, उसके दो सेक्शंस है, ठीक है, ए एंड बी, है ना। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स हैव और लेट्स कीप, या फिर क्लास के दो सेक्शन नहीं मानो, हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ, मतलब क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अब मार्क्स हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स एनालिसिस कर रहे हैं, एंड आई हैव बीन गिवन कि बॉयज के मार्क्स जो है, एवरेज बॉयज के मार्क्स जो है वो 50 है, और एवरेज गर्ल्स के मार्क्स जो है वो 70 है, ठीक है। सो इन दिस केस इफ आई आस्क यू कि क्लास का एवरेज क्या होगा, मतलब पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा, क्या होगा बताओ, एनीवन? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होना चाहिए बॉयज और गर्ल्स। हाँ, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से भी पता नहीं चलेगा। इफ आई गिव यू कि क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो स्टिल यू कैन नॉट टेल, या 100 स्टूडेंट्स हैं, स्टिल यू कैन नॉट टेल कि क्लास का एवरेज क्या है। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो आप पूरा डेटा दे दो कि जैसे मान लो कि 80 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 40 बॉयज हैं 40 गर्ल्स हैं, या फिर आप उसमें ऐसे कर दो कि 20 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं, या 60 बॉयज। तो अगर आप ये पूरा दे देते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम इसको दे दें 80 स्टूडेंट्स हम बोल दें, और हमने बोला कि बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 60 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 20 है,
तो इस केस में आप बहुत बेसिक वे से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय सेइंग कि भाई टोटल बॉयज के मार्क्स कितने होंगे 60 इंटू 50, टोटल गर्ल्स के मार्क्स कितने होंगे 20 इंटू 70, और ये सबको ऐड कर देंगे तो पूरे क्लास का टोटल मार्क्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 80, ये हमारा एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास आएगा, ठीक है। बट नाउ आई से कि चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए इस लॉजिक को हम यहाँ रहने देते हैं। अगर मैं क्लास में, ठीक है, इसको रहने देते हैं, विल कम बैक अगेन हियर। सो अगर मैं क्लास में बॉयज का मार्क्स हमने 50 रखा और बॉयज का 50 रखा और गर्ल्स का 70 रखा जो एवरेज है, अगर मैं तुमसे बोलता है कि अगर एक एक बॉय और एक एक गर्ल है, मतलब एक बॉय और एक गर्ल है, तो 1:1 लिख देते हैं, है ना। 1:1 क्यों लिख रहे हैं वो भी तुम्हें समझ में आ जा रहा है, लेकिन फिलहाल हम ऐसे बोलते हैं 1 बॉय एंड 1 गर्ल है, तो एवरेज क्या होगा पूरे क्लास का 60, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक पता है दो ही है, 50 और 70 का जो एवरेज है वो 60 होगा। अगर 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं तब क्या होगा, बताओ 60 होगा, अगेन 60 होगा, वेरी गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बॉय एक गर्ल मिलके एक सेट बना रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि दो तरीका है इसको सोचने का कि हम आखिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉमा आके कट ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसा समझो कि एक बॉय एक गर्ल का वो पैकेट बना दो और वो आपस में इक्वल करके 60-60-60 इक्वल होते जाएंगे। तो आप अगर अब कितने भी अगर एन बॉयज एन गर्ल्स हो, या इसको अगर हम ऐसे लिखे 1:1 का रेशियो, तो इट विल ऑलवेज बिकम 60। अब अगर हम ऐसे देखें कि 3 बॉय और 1 गर्ल है, तब एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा बताओ, 55। कैसे? आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते थे, 3 × 50 + 70 / 4, तो आपका ये आ जाएगा तुम्हारा 220/4 विच इज 55। तो आपने देखा कि एवरेज चेंज हो गया, मतलब जो एवरेज 1:1 पे आ रहा था उससे कम हो गया, बिकॉज जिस तरफ ज्यादा होंगे, जैसे इस तरफ बॉयज ज्यादा है तो एवरेज जो है वो शिफ्ट होता है उसी की तरफ। तो अब अगर 3 की बजाय अगर हम 6 बॉयज 1 गर्ल लेते तब क्या होता, तब भी वही होता ना, क्योंकि ये 4-4 का पैकेट बन जाता और हर पैकेट आपस में 55-55 सबको सेम कर देते। तो पॉइंट ये है मेरा यहाँ पे, If you know the ratio without knowing the total number of students, either total number of boys, total number of girls, if you know the ratio, you can tell about the final class average, ठीक है? तो पहली चीज आपने सीखा कि ratio is required, है ना, या ratio है तो आप बता सकते हो। अब हम आते हैं इस बात कि इस packets वाली सोच से क्या फायदा होता है। अब यहाँ पे आ गया, जैसे last time कभी हमने पढ़ाया होगा तो ये चीज नहीं बताया होगा, क्योंकि packets वाली सोच generally हम लोग क्वेश्चन में कभी आता है तो आता है। जैसे मान लो अगर हम इसको ऐसे लिख देते कि क्लास में 16 रख लो चाहे 17 रख लो, ठीक है, 45:17 या 20 भी रख लो, ठीक है। तो अब हम अगर इस केस में तुमसे पूछते कि हमारा क्या होगा नया एवरेज, तो आप इसको ना उसी पैकेट्स में डाल सकते हो। जैसे अगर हम इस पूरे चीज को ऐसे ले सकते हैं कि 45 और 15, ये तो हमें दिख रहा है कि है, प्लस 5 गर्ल्स और है, तो हमको पता है कि ये 3:1 है, तो इसका पैकेट क्या देगा आपको, 55 का एवरेज देगा, बिकॉज दिस रेशियो इज इजिली कैलकुलेटेबल, है ना, तभी तो आप 55, क्योंकि ये रेशियो 9:3 का बनता तो नहीं, 3:1 का बनता ना ये, तो एक मिनट है, सॉरी, ये 9:4 का बनता, 9:4 का बनता, तो आपको टिपिकल लगता है इसको कैलकुलेट कराने में। तो हमने बोला कि आप पहले जितना आपको रेशियो जो आराम से निकाल सकते हो निकाल लिया, अब इस पाँचों गर्ल्स को जो 5 गर्ल्स एक्स्ट्रा है इनका भी 55-55 रख दें, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, बच जाएगा, which is not yet been distributed,
15 मतलब 55 से 70 कितना होता है, 15 एक्स्ट्रा है ना, तो 15 इंटू 5 ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अगर आप पूरा एवरेज निकालना चाहते हो पूरे ग्रुप का, तो हम 55 प्लस 75 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे हम बताओ, 65 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो पॉइंट ये है कि कई बार पैकेट्स में सोचने का फायदा हो जाता है कि हम पैकेट्स वाला निकाल लें और जो बचा हुआ है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है, ज्यादा हो गया सही है, मुझे बता दो। मैंने ये किया, मैंने ये किया कि अगर कभी जैसे पैकेट्स में ना निकालना आसान है, जैसे पैकेट्स में निकालना आसान है का मतलब क्या हुआ कि 3:1 जो भी जैसे 3:1 अच्छा एक रुको हम उसको बता देते हैं ठीक है, बट आपको पहले एक दो पैकेट्स वाली बात बाद में करते हैं, एक पहले इसको और वो कर देते हैं। सो टिल नाउ यू नो कि 3:1 रहे तो आप निकाल सकते हो, 1:3 अगर होता तो क्या होता, सो सेंटर वैल्यू इज 50 है ना, 3:1 पे हमारा 55 आया विच इज लिटिल टिल्टेड टूवर्ड्स वो क्या बोलते हैं टूवर्ड्स बॉयज, 1:3 अगर लेते तो क्या होता उसका 65 वैल्यू हो जाती, तो वो जितना इधर टिल्ट हुआ उतना इधर टिल्ट हुआ। पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 को अगर मतलब टोटल गैप जो है दोनों के एवरेज का जो गैप है 20 को भी 3:1 में बांटना है ठीक है, और 3:1 में बांटना है तो जगह जैसे मान लो कि इसका 3 और इसका 1 है तो ये गैप इस साइड में देना है और ये गैप इस साइड में देना है, तो 20 को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो क्या होगा बताओ, 15 होगा। तो ये 1 के रिस्पेक्ट का यहाँ पे और ये 15, तो इसमें हम इसको निकालने के लिए या तो 50 प्लस 5 कर ले या 70 माइनस 15 कर ले, दोनों केस में हमारा 55 आएगा। तो अगर अब आपको ये भी पता होगा कि जैसे 50 और 70 अगर है बॉयज और गर्ल्स का, तो ऐसा नहीं है कि सारे रेशियो विल गिव यू इंटीजर वैल्यू ऑफ फाइनल एवरेज। इंटीजर वैल्यू कब कब बनेगा, जब आपका जो रेशियो है उसका टोटल इनके गैप को डिवाइड करेगा। तो जैसे मान लो अगर हम बोलते 2:3 में मतलब बॉयज टू गर्ल्स जो है वो 2:3 में, इससे इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है, एक तो ये पता चलता है कि जो एवरेज आएगा वो 60 से ज्यादा होगा, जो मिडिल वैल्यू से ज्यादा होगा बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स आर बोर। दूसरी चीज हमको क्या समझ में आता है कि जो 20 है वो डिवाइड होगा कितने में, 2:3 में डिवाइड होगा तो कितना होता है 8 और 12। तो जो बॉयज का गैप है जैसे अगर हम इसको 2:3 लिखे तो बॉयज का गैप इधर से रिप्रेजेंट होगा और गर्ल्स का गैप इधर से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर हम मतलब ये 12 और 8 कर दे तो ये वैल्यू कौन सी आएगी हमारी, बोलो 62। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो क्यों इंटीजर क्यों आया हमारा, बिकॉज जो एवरेज का सॉरी रेशियो का जो टोटल है वो डिवाइड करता है इसके गैप को ठीक है, इसलिए वी गॉट एन इंटीजर वैल्यू। और यहीं पे आपका एलिगेशन भी इंट्रोड्यूस हो गया कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में नंबर्स को लेते हो तो जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल टिल्ट टुवर्ड्स अ हायर नंबर ऑफ मेंबर्स इधर है, और जो जो उधर शिफ्टिंग होगा और जो गैप डिवाइड होगा उस बेसिकली एवरेज वैल्यू से दैट विल बी इन प्रोपोर्शन टू द रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन इनवर्स ऑर्डर। तो जैसे अब मान लो कि अब इसका कई फायदा, जैसे मान लो हमने बी इज टू जी बोला कि ये 50 है और ये 70 है, और हमने बोला कि जो फाइनल एवरेज है वो है आपका 64। तो अब आप इससे क्या बता सकते हो, कई चीजें आप बता सकते हो, बताना शुरू करो। इससे हम सबसे पहले बता सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी हायर देन नंबर ऑफ बॉयज, बता सकते हैं कि नहीं, yes, sir, yes, sir. मिडिल वैल्यू है वो तो 60 होता, तो अगर ये शिफ्ट हुआ है तो ऑफ कोर्स गर्ल्स ज्यादा है, एंड वी कैन ऑल्सो टेल कि जो शिफ्टिंग है वो इन अकॉर्डिंग टू द रेशियो होता है, तो ये गैप इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये गैप इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका 6 हो गया और ये कितना हो गया आपका 14, और ये आपका 3:7। तो बेसिकली 3:7 के रेशियो में होगा बॉयज टू गर्ल। तो अब मान लो कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछ के हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 200 है
तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले तो आप क्या बताते भाई, इसको 3:7 में बांट देते तो 60 और 140 हो जाता, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये हो जाता, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, तो अगर हम पूरा सिस्टम अगर हम इसको क्रिएट करें तो जैसे मान लो कि अगर हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 500 है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज ये 15 का है और ये 70 है, फाइनल एवरेज अगर आया मान लो कि 57, ये चलो 58 ले लेते हैं, तो 58 अगर आया हुआ है तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स, बोलो बॉयज, बॉयज क्योंकि 60 से कम बना, मिडिल वैल्यू 60 है, तो ये गैप इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये गैप इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 50 और 58 का गैप क्या है 8, और 58 और 70 का गैप क्या है 12, तो ये आपका कट के क्या हो जाएगा 3:2, तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो जो है 3:2 है, और फिर अब आप 500 को 3:2 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 300 और 200। तो ये एक बेसिक मॉडल है, आप इसको चाहो तो एकदम ऐसे ही लिख के ध्यान में रख सकते हो, अब इसमें से जो भी चीज मिसिंग है ना वो बता सकते हो, जैसे मान लो कि आपको ये पता है रेशियो पता है तो आप ये गर्ल्स का एवरेज बता सकते हो। सो क्या मिस करना है, अब ये क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसा सेट कर दो तो कई बार तो ऊपर तक की जरूरत ही नहीं पड़ती, इधर में ही जरूरत है, नीचे में ही पूछना है, तो अगर आप इस तरह से मॉडल आप ध्यान में रख लोगे, ये हमारा फाइनल ग्रुप एवरेज मतलब इंटायर ग्रुप का एवरेज, ये ग्रुप कंपोनेंट का एवरेज बॉयज का, और ये एक दूसरे कंपोनेंट का एवरेज गर्ल्स का, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो जो एवरेज है वो उसी रेशियो में गैप को काटता है, ये आपका गैप है, उसी रेशियो में गैप को डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो खुद होते हैं, तो अगर 58 आया है तो ऑफकोर्स बॉयज ज्यादा होंगे, अब अगर ऊपर से भी बोलते हैं कि अगर बॉयज और गर्ल्स 3:2 के रेशियो में तो फाइनल एवरेज क्या होगा, तो आप 3:2 को क्या करते कि 20 को जो 20 को 3:2 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका 12 आता, ये आपका 8 आता, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉडल है, अब दिमाग में अगर आपके पिक्चर ये बन गया है तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड कि मिसिंग पॉइंट्स क्या है, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है बट इनमें से कोई एक चीज मिस करा सकता है, हम चाहे तो 50 मिस करा सकते हैं कि बॉयज का एवरेज कितना है, हम 70 मिस करा सकते हैं, हम इसके रेशियो में से कोई कंपोनेंट मिस करा सकते हैं, हम टोटल में से कुछ मिस करा सकते हैं, बट हाँ इतना सफिशियंट हम देंगे कि ये सेट होके पूरा बन जाएगा आपका। तो इसी तरह से क्वेश्चन होता है, अगर एक दो क्वेश्चन तुम लोग करोगे अब तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी हम पैकेट्स वाला जो हम वहाँ पे छोड़ के निकले थे वो हम बताएंगे फिर से, बट अभी फिलहाल आगे चलते हैं ये, ठीक है। सो नाउ यू नो कि अब आपसे कोई पूछेगा कि इस केस में अगर एवरेज, लेट्स से अगर एवरेज मैंने बोला कि 56 है ना, 56 है फाइनल मतलब क्लास का एवरेज अगर 56 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास है ना, इनमें से कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। सो कैन वी हैव जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 250 हो सकते, नहीं 250 तो हो सकते हैं, 85 हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लास के स्टूडेंट, बोलो मतलब विच वन कुड बी द टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स, अगर हम तुम्हें ऐसे पूछ दें 98, 105 और 1010, तो आउट ऑफ दीज विच कुड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट, बताओ बोलो जल्दी बोलो सर, 110। हाँ क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया जैसे ही 56 रखा आपको पता चल गया कि जो गर्ल्स का जो रेशियो है आप ऐसे भी बना सकते हो, कई किताबों में ऐसे बनाता है, तो ये डिफरेंस इधर रिप्रेजेंट कर दिया, ये डिफरेंस इधर रिप्रेजेंट कर दिया, जो हम ऐसे ऊपर ले जाके लिखते हैं, तो अगर ये 40 है तो ये 7:3 के रेशियो में होगा, एंड इफ इट इज 7:3 तो टोटल जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे तो पॉइंट्स में आएंगे नहीं ना, बच्चे तो इंटीजर होंगे,
तो ये जो चार तीन नंबर्स हैं, दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट और कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास. एक तो ये क्लैरिटी आपको आने लगी, ठीक है. दूसरा क्या, आप रेशियो के हिसाब से बता सकते हो कि जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी एवरेज, वो इंटीजर आएगी कि नहीं. तो जैसे मैंने अगर बोला कि क्लास में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो जो है वो 2:1 का है, सो विल वी शैल वी गेट अ इंटीजर वैल्यू ऑफ वो एवरेज, फाइनल क्लास एवरेज? नहीं. क्यों? क्योंकि रेशियो जो है वो 2:1 का है, टोटल 3 है. तो जो गैप को हम डिवाइड करेंगे 50 से 70 का, जो 20 का गैप है, वो 2:3 में डिवाइड होगा, तो वो क्या नहीं होगा बताओ? इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर में नहीं आएगा. बट आएगा कितना बताओ? अगर 2:1 है तो फटाफट बताओ तो कितना होगा? तुरंत नहीं बताते तुम लोग. 56/3 नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो बॉयज ज्यादा है तो बॉयज के साइड में रखना है, मतलब उधर रखना है. 2:3 में है तो 20 को 2:3 में बांटेंगे, तो मतलब सॉरी 2:1 में बांटेंगे तो 20/3 करेंगे. 56 पॉइंट समथिंग सर, समथिंग क्यों, मिक्स फ्रैक्शन में बोलो ना. 56/3 सर, 56 1/3 नहीं होगा? हाँ 1/3 होगा, सॉरी. अरे पहले ही करेक्ट कर देते ना. 56 1/3, 20/3 जो होगा वो हमारा, अरे नहीं 2/3 ही होगा. 20/3 तो 6/3 होता है ना. Yes, 6/3 नहीं 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 ठीक कह रहा है. अरे ये कैसे कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? 20 को बांटो तो 2:1 में. सर एक पार्ट 6 1/3 होगा, दूसरा पार्ट 12 2/3 नहीं होगा? 12 कैसे हो जाता है यार? 12 नहीं होगा. एक पार्ट 6 2/3 तुम बोल रहे हो, 6 1/3 प्लस 12 2/3, ये तो जोड़ के भी 20 नहीं होगा. हाँ सर, ये 6 2/3 ही होगा. 6 2/3 और बाकी दो पार्ट होगा 13 1/3 होगा. ठीक तो है? हाँ ठीक लिखा था मैंने, तुमने कंफ्यूज ही कर दिया. तो ये अगर है तो आपका जो मतलब अगर हम 20 को बांटेंगे 1:3 में, तो 6 2/3 और 13 1/3 में बटेगा. तो आपको पता है कि चूंकि बॉयज के क्लोज रखना है, क्योंकि बॉयज के नंबर्स ज्यादा है रेशियो में, तो इस तरफ से बॉयज की तरफ से नजदीक रहेगा. तो ये हमारा एवरेज हो गया. पॉइंट ये है कि जब भी आप देखोगे आप ऐसे सिचुएशन को, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द वैल्यू और रीच टू द वैल्यू. और इसमें कई सारे रीजनिंग भी दे पाओगे कि अगर ये वैल्यू है तो वो नहीं होगा, ये है तो वो नहीं होगा, है ना. जैसे अगर मान लो ये हमारा दे दिया, फिर जैसे अगर हम इसमें अगर तुम्हें बोल देते हैं कि हमारा जो मतलब बच्चे हैं वो तुम्हारा कितना, सॉरी जो फाइनल एवरेज है वो हमारा 62 है, तो आप 62 को फिर किस रेशियो में होगा, बॉयज टू गर्ल किस रेशियो में होगा? 2:3. तो आप ये बोल सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमेशा 5 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है, 5n और 5x ऐसा कुछ होगा. तो इस तरह से हम वी कैन विजुलाइज द डेटा, ठीक है. तो ये हुआ ऐसे हमारा ग्रुप एवरेज के वो कॉन्सेप्ट्स. अब जैसे इसी में जब हम मिलाते हैं, जैसे मान लो कि ग्रुप एवरेज कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ तो पता था, अब जैसे मान लो कि अगर हम दो लिक्विड मिलाते हैं ए और बी, एक जो है हमारा 30% एल्कोहल सोल्यूशन है और एक 40% एल्कोहल सोल्यूशन, तो फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा, मतलब अगर दोनों को मिलाएंगे तो. यहाँ पे भी वही देखो एवरेज वाला ही कंसेप्ट है. अगर हम 30% है तो अगर हम मान लो कि हम 100-100 के ही उसमें मिला रहे हैं, तो अगर हम 100 मिलीलीटर लेंगे और इसका भी 100 मिलीलीटर, इसको एक पैकेट ही मान लो, तो उस केस में हमारा फाइनल क्या होगा? 35 होगा. लेकिन अगर हम इसका 3 ले लेते हैं, और इसका 1 ले लेते हैं, तो बेसिकली यही हुआ ना कि हमें यहां से 30-30 मिल रहा है, बेसिकली एवरेज 30 हो गया, और यहां से 1:40 मिल रहा है, तो इसका अकेला का एवरेज 40 हो गया. तो ये वही चीज हो गई यहां, वहां जैसे हमने किया था वही. तो अगर ये 3:1 में मिक्स किया गया है ना,
तो सेम एवरेज वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे यूज होगा, 3:1 में किया है तो द गैप है वो 3:1 में बटेगा एंड इट विल बी नियर ए, मतलब 30% से नजदीक इसका आंसर आएगा, और ऐसे आएगा कि ये वाला गैप इससे रिप्रेजेंट होगा, ये वाला गैप इससे रिप्रेजेंट होगा, तो गैप कितना है 10 का, तो 10 को हमें बांटना है कितने में, 3:1 में, तो ये 2.5 होगा, ये 7.5 होगा, तो फाइनल एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 32.5. दिस इज व्हाट वी रियलाइज, कि वो एवरेज ही है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने 100 में कर दिया था, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने बोला कि अब ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे 50% अल्कोहल सॉल्यूशन है, 90% अल्कोहल सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको 5:3 में लिया गया है, तो फाइनल क्या बनेगा, तो आपको पता है कि ये एवरेज की तरह यूज होगा, 50 एवरेज है, 90 एवरेज है, और फाइनल एवरेज क्या होगा, इसका बताओ कितना होगा फाइनल, मैंने जानबूझ के थोड़ा इधर ही रखा, क्योंकि एवरेज कितना, इसका एवरेज कितना होगा, 50 के क्लोज होगा, ठीक है, तो कितना होगा इसका एवरेज बताओ, 65। कैसे तुमने, हमने गैप देखा 40 का है, ठीक है, और गैप 40 का है तो ये वाला जो हमारा है ये हो जाएगा, सॉरी 5:3 में बांटना है तो 8:5 40 होता है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो 25 घटाएंगे या 15 ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो तीन का करना हो तो क्या चीज का, तीन मिलाने हो तो पहले दो का मिलाओ, फिर उससे जो स्ट्रेंथ आएगा उससे तीसरा का बनाओ। अब जैसे मैं बोलता कि यहाँ पे एक ऐसा हो जाता है कि जैसे बोलता कि 30% और इसका रेशियो इसी रेशियो में 5:3:8 अगर कर देता तो हमें ये 65 मिल गया ना, yes, तो 65 हमें 8 पूरे 8 का 65 मिल गया, तो हम इसको 8 ले लेते, 8 का 65 और ये 8 का 30, तब इसका मिडिल वैल्यू जो है हमारा हो जाता 47.5, ठीक है ना, तो पहले दो का मिला के फिर तीसरे के साथ कर दो वही चीज। बट यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे तुम्हें समझने वाली है और जो तुम्हें ध्यान रखने वाली है उसको कैच की तरह भी ध्यान रख सकते हो, कि एक तो ये है कि हमें इस परसेंटेज फिगर का ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर मैं तुमसे कभी ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 33 1/3% एल्कोहल सोल्यूशन ये 4:1 में और तुम्हारा 53 1/3% एल्कोहल सोल्यूशन 1:1 में मिलाया गया है तो फाइनल क्या होगा, तो आपको डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि गैप यहाँ पे 20 में तो हमें ये 4 को बांटना भी है ना, तो 4:1 में बांटना है 16:4, तो ये वाला जो है इधर जाएगा, मतलब 4 वाला जो है इधर जाएगा और 4 वाला इधर जाएगा, तो इसका फाइनल जो होगा वो क्या होगा 37 1/3 होगा, क्योंकि इसमें 4 ऐड कर देंगे और 16 घटा देंगे, तो आपको ये जो फिगर्स हैं, मतलब अजीब सा फिगर अगर देखने को मिल रहा है एवरेज का या फिर परसेंटेज का, तो उससे नहीं डरना है, आप उस पर ध्यान दो कि उसका गैप कितना है, सो दैट गैप को हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे हम बार बार ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप नीचे से भी ऊपर जा सकते हो, जैसे अगर एवरेज दिया रहे, पहला वाला दिया रहे, रेशियो दिया रहे, आप उस गैप को बांट सकते हो, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि कोई 3:2 में मिलाया गया है ना, 3 वाले का जो है वो 70 है और फाइनल एवरेज जो आया हुआ है वो आपका आया हुआ है 82, तो इसका मतलब ए और बी दो ग्रुप है जिसमें ए और बी, तो इसको तुम बिल्कुल पिक्चर की बना सकते हो कि बी का एवरेज कितना पूछेगा, तो कैसे बताओगे, आपको पता है कि जब ये रेशियो है तो ये वाला गैप जो है ये 2 से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो ये वाला गैप पक्का 3 से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो ये 12 अगर 2 है तो 3 कितना होगा बताओ, 18, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो आगे पीछे कहीं से भी, है ना, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा जो इसमें है, जैसे मैंने परसेंटेज का किया एंड आई टुक दैट एज एन एवरेज, तो अब जरूरी नहीं है कि पर 100 ही हम लें, हम पर एनीथिंग भी ले सकते हैं, जैसे अगर तुमसे कभी पूछे कि अगर तुमसे कोई पूछे कि
अब दो मिक्सचर है ठीक है, हमने उस समय तो एसिड सॉल्यूशन लिया था, हमने बोला ए इज टू बी जो है एक जगह पे 1:4 है और ए इज टू बी जो है दूसरी जगह पे 4:5 है, और हमें किस रेशियो में हम इसको मिलाएं कि जो फाइनल ए इज टू बी आए वो हमारा आ जाए 2:5 ठीक है। ये 4:5 ना रख के हम ले लेते हैं 3:5 ले लेते हैं फिलहाल के लिए ठीक है, या 3:2 ले लेते हैं ठीक है। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि हम किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा फाइनल ये बने ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे इसमें बहुत सारे रेशियो आ गया ए और बी, बट हम इसको सिंगल पार्टिसिपेंट के उस पे निकालते हैं। जैसे मान लो हम ए को कंसीडर करते हैं तो हम इसको तो ये भी देख सकते थे ना कि ये यहाँ पे 25% है, सॉरी 20% है ए, है कि नहीं दिख रहा तुम्हें वो बताओ। यस सर। और यहाँ पे ए कितना है 60% है ना। यस सर। और यहाँ कितना है जो फाइनल बन के आ रहा है 28:4:7। अरे अरे हाँ जो इसको हम अभी आसान करते हैं, ये 2:3 बनाना है मान लो तब कितना है ये 40% ठीक है। तो अब अगर ये 2:3 मान के चलो कि ये बनाना था, तो हम अगर हम परसेंटेज से विजुलाइज करें तो फिर वही वाली बात हो जाएगी ना कि 20 और 60 को मिला के 40 बनाना है, तो ये गैप दोनों का गैप 20-20 है, तो 1:1 में मिलेगा है कि नहीं, ये दिख रहा है तुम लोगों को। यस सर। कभी तो खुश होके बोला करो हाँ दिखा। एक तो रुको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके अपनी तारीफ करूंगा, ये तो तुम लोग कहोगे सर बीच बीच में अपनी तारीफ ही करने लगते हैं। हाँ सो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जैसे ये जो रेशियो में है सो डिस्पाइट ए और बी का रेशियो है, बट अगर हमें फाइनल मर्ज करके ए और बी का ही रेशियो निकालना है तो हम ये देखते हैं कि मतलब ए को ही मैनेज कर लेंगे, तो अगर ए अगर 40% हो जाता है तो बी ऑटोमेटिकली 60% हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम ऐसे विजुलाइज करो बी को भी तो बी भी ऐसे ही शो करेगा, जैसे बी 80% है यहाँ पे बी 40% है और हम यहाँ बी चाहते हैं 60%, तो ये भी चीज उसी को रिप्रेजेंट करेगा अल्टीमेटली 1:1 में ही ये आएगा। तो पॉइंट ये मेरा कि अगर मिक्सचर भी मिलाते हैं तो केस वही है, एवरेज मर्ज करने का ही बात हो गया, दो ग्रुप का एवरेज मर्ज करके फाइनल ग्रुप एवरेज निकालने की बात होगी। सो इफ ऐसा तो है नहीं कि हर बार तुम परसेंटेज में आराम से निकाल लोगे, आपका जो वो वाली वैल्यू है जैसे मान लो कि जो रेशियो वाली वैल्यू है ना, जैसे अभी हम यहाँ पे 2:5 लिखे हुए थे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था 3:5 यहाँ लिखा हुआ था, तो हर बार रेशियो में निकालना तो बहुत आसान है नहीं कि चलो यहाँ 25% है तो यहाँ पे 3/8 इज 37.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2/5, तो ये फिर आपका टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि रेदर देन मूविंग इन हंड्रेड्स का फिगर में आप इसके टोटल को ही सेम कर लो, जैसे ये टोटल जो है वो 5 है और ये टोटल जो है वो 8 है ना, और ये टोटल जो है वो 7 है ठीक है। तो हम मतलब इस अगर हम ये ध्यान देंगे तो ये 1/5 है, ये 3/8 है, ये 2/7 है, तो पहले तो हम जो जो ए का जो वो है कंसंट्रेशन है उसको एक फिक्स क्वांटिटी में निकालना चाहेंगे, तो 5, 8 और 7 इसको हम पहले एक कर लेते हैं, तो 5, 8 × 7 कितना हो जाएगा बताओ। 280। तो अब अगर 280 करना होगा तो हमें 5 × 56 करे ठीक है, तो 5 × 56 कर दे तो मतलब बेसिकली 5 × 56 क्यों करे, जब यहाँ 5 है तो उसको 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 56 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 224 है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं कि हम 280 में ही सबको निकालना, तो रेदर देन गोइंग फॉर 100 हम 280 जा रहे हैं, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से करना पड़ेगा, तो ये 105 और 35 × 5 कितना होता है
175 ये हो गया, और इसको भी हम उसी तरह से कर देते हैं, सेवन है यहाँ पे टोटल, तो इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से, ये 80 हो गया और ये 200 हो गया। तो अब चूंकि मैंने दोनों को ही मल्टीप्लाई किया, ये जरूरी नहीं है आप केवल एक को भी मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, क्योंकि पता है ए और बी फाइनल, अगर ए का कॉम्पोनेंट अगर 280 में 80 हो गया तो बी का ऑटोमेटिकली बचा हुआ हो जाएगा। तो इस केस में हम किसी भी एक से, जैसे अगर ए से करना चाहें तो हम ये गैप देखेंगे तो ये 14 नहीं 24 का गैप है, ये गैप देखेंगे तो कितने का है 25 का है। तो किस रेशियो में मिलाया जाएगा बताओ, ये 25 वाला हम इधर कर देते हैं और ये 24 वाला इधर। तो जो मिक्सचर ए वन है और मिक्सचर टू है इसको हमें 25:24 में मर्ज करना पड़ेगा, या फिर अगर हम बी से भी देखते तो भी वही बात होती, देखो ये गैप भी 24 का है और ये गैप 25 का है, तो अगेन ये 25 दे देगा तुम्हें और ये वाला गैप भी 24 दे देगा। तो बेसिकली किसी एक से, तो हम स्टार्ट में ही हम सिंगल को लेके हम कर सकते थे। तो ये आपका जो ग्रुप, मतलब सॉरी जो मिक्सचर को मर्ज करते हैं दो मिक्सचर को, दैट शोज द सेम प्रॉपर्टी, सेम कंसेप्ट विच एवरेज हैड, मतलब इन मतलब मिक्सिंग द ग्रुप जो हमने मिला था। तो ये आपका हो गया मतलब एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। इसी को हम प्राइस में भी डाल सकते हैं, जैसे प्राइस भी पर केजी प्राइस है तो वो भी एवरेज की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोला कि 20 रुपये पर केजी है ना, और 30 रुपये पर केजी है, तो अगर आप इक्वल ले रहे हो तो 25 आएगा, 3:1 ले रहे हो तो आपका 22.5 आएगा, है ना, ये 3:1 में बढ़ जाएगा। तो क्योंकि पर केजी की प्राइस है तो 20 20 20 तीन बार और 30 एक बार, तो इस तरह के जितने भी सिचुएशंस हैं वहां पे यही तरह का एलिगेशन लगेगा। इनफैक्ट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करो तो वहां पे भी वही होगा, जैसे मान लो कि हम कुछ क्वांटिटी पे 20% का प्रॉफिट है, कुछ पे 30% का प्रॉफिट है, तो ऑफकोर्स और फाइनल प्रॉफिट अगर हमारा 25 का है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम रहा होगा, तभी जाके ऐसा आएगा। तो ये हर जगह पे इसी का एक्सटेंशन यूज होता है, तो आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का वो क्या बोलते हैं रिविजन।